Hi, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you issue of debenture and issue and redemption topic. Okay, अब इसके लिए कि हम example एक question लेके चलते हैं जो एक CBSE में आए हुए question में से एक है. Question क्या है? Pass essay journal entry for the issue of the debenture in the following cases. ठीक है? अब इसमें पहले केस क्या है? पहला कह रहा है A condition ₹40,000 15% debenture of ₹100 each issued at par redeemable at 10% premium. यानी debenture issued at par पे है और redeemable किस पे हो रही है? Premium पे. And B condition दे रहा है ₹90,000 15% debenture of ₹100 each issued at discount of 5% redeemable at a premium of 10%. Okay. अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में है क्या. पहला कंडीशन क्या है? डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम है. तो अब कंपनी अपने यहां पे जो जनरल एंट्री करती है डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम में, तो जो फर्स्ट जनरल एंट्री करेगी कंपनी के यहां पे, तो जनरल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री आएगा क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर application and allotment account. अब देखिए कंपनी कह रही है कि कितने रुपीस का है? 40,000 रुपीस का है डिवेंचर इशूड किस पे था? एट पार पे. यानी कंपनी को जो मिला होगा पूरा कितने रुपीस मिले होंगे? 40,000. तो बैंक ऑन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन में कितने से आएगा? 40,000. ठीक है, तो नरेशन क्या हो जाएगी? बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव. अब कंपनी को तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई. अब कंपनी का डिवेंचर इश्यूड एट पार पे था, रिडीमेबल किस पे है? वो प्रीमियम पे. जब भी कंपनी रिडीम करती है प्रीमियम पे, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी? उसके लिए लॉस होगा. क्यों? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होगी. जब एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी हो रही है, तो कंपनी के लिए क्या हो गया? वो लॉस हो गई. तो कंपनी के यहां पर जो नेक्स्ट जनरल एंट्री होगी क्या हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit. अब कंपनी क्या हो रही है? लॉस हो रही है. तो जनरेटिक के नेक्स्ट क्या हो जाएगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट. ओके, अब कंपनी कितने परसेंट डिवेंचर बता रही है? कंपनी का जो परसेंटेज डिवेंचर है वो कितना परसेंट है? 15%. तो कंपनी का तो 215% डिवेंचर अकाउंट. अब कंपनी क्या कर रही है? रिडीम किस पे कर रही है? प्रीमियम पे. तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या हो जाएगी? टू प्रीमियम ऑन किस पे कर रही है कंपनी? प्रीमियम किस पे दे रही है? रिडम्पशन में. तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट. अब देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन में जितने से यहां क्रेडिट था उतने से यहां पे डेबिट हो गए. हमेशा एक चीज ध्यान रखने की चीज है कि कंपनी के डिवेंचर में हमेशा किससे आएगी? वो फेस वैल्यू से, क्योंकि डिवेंचर एट पार पे था, तो इसका फेस वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पे? डिवेंचर में भी यहाँ पे 40,000. अब कंपनी कितने परसेंट प्रीमियम पे दे रही है? रिडीम कितने परसेंट प्रीमियम पे कर रही है? 10% पे. अब 40,000 का 10% क्या हो गया? प्रीमियम और रिडम्पशन में 4,000. तो लॉस कितने का? कंपनी को एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 4,000. तो ये 4,000 कहां पे आ गई? लॉस में. तो नरेशन क्या हो गया? बींग इशू ऑफ डिवेंचर एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम. बींग इशू ऑफ डिवेंचर डिवेंचर
being issued a debenture at par और at par पे रखी है और redeemable किस पे हो रही है at premium पे at par redeemable at premium कितने percent premium पे at 10% premium कर सकते हैं ये at 10% premium okay. इस टाइप से तो कंपनी डिवेंचर इश्यूड किया हुआ था एट पार पे और रिडीमेबल किस पे कर रही है वो प्रीमियम पे ये तो एक कंडीशन था यानी फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे क्या हो गई बैंक ऑन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से 40,000 सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ठीक है ये तो यहां पे रुपीस का था हमेशा क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखने की चीज है कि वो रुपीस है या नंबर ऑफ डिबेंचर यहां पे क्या था वो रुपीस है ठीक अब ये तो ए कंडीशन पे था बी कंडीशन में क्या है कंपनी कह रही है कि रुपीस 90,000 15% डिबेंचर ऑफ रुपीस 100 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम एट 10% प्रीमियम पे ठीक है तो फर्स्ट एंट्री तो हर कंडीशन में फर्स्ट एंट्री तो यही होगी केवल अमाउंट चेंज हो जाएगा अमाउंट क्या चेंज हो जाएगी यहां पे जब फर्स्ट एंट्री देखते हैं तो फर्स्ट एंट्री तो होगी बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन सेम टू सेम पहले की तरह ये बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने से होगा कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे यहां पे कंपनी के पास जो डिबेंचर है कितने रुपए का है कितने रुपए का यहाँ पे 90,000 का है 90,000 का कंपनी कर रही है इसमें 5% डिस्काउंट पे कर रही है तो 5% कितना हो जाएगा 90,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा इनटू 5% आएगा तो कितना आएगा 4,500 यानी कंपनी को जब एप्लीकेशन में रिसीव होगी 85,500 ओके तो बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में कितने से आएगा बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में 85,500 being application money received ठीक अब क्या हो रही है कि नेक्स्ट एंट्री क्या होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कंपनी को इसमें लॉस भी हो रही है और डिस्काउंट भी हो रही है तो नेक्स्ट एंट्री में चेंजिंग आ जाएगी यहां पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट एंट्री में यहां से कंपनी को तो लॉस भी हुई है और कंपनी ने डिस्काउंट भी दिया हुआ यहां पे क्या हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कोई कंपनी ने क्या दिया डिस्काउंट दिया हुआ यहां पे क्या जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है 15% टू 15% डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट अब देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कौन सी अमाउंट आएगी जितने से यहां पे क्रेडिट था वही अमाउंट यहां पे डेबिट आ गई 85,500 हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि डिवेंचर में हमेशा फेज वैल्यू जाती है तो 15% डिवेंचर में कितनी जाएगी यहां पे 90,000 जितने का डिवेंचर था जितने रुपीस का कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया है डिस्काउंट कितना दे रही है यहां पे 4,500 तो डिस्काउंट में कितनी आएगी इसमें डिस्काउंट रेशियो डिवेंचर में 4,500 अब कंपनी ने 4,500 का डिस्काउंट दिया अब कंपनी कह रही है कि प्रीमियम कितना दे रही है 10% प्रीमियम तो 10% प्रीमियम किसका 90,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 9,000 तो अब प्रीमियम और रिडेम्पशन में कितने का हो गया यहां पे 9,000 तो लॉस भी कंपनी के लिए कितने की हो गई 9,000 ओके अब नेशन क्या हो जाएगा बीइंग डिबेंचर issued at 5% discount and redeemable at 10% premium
ठीक है। अब सेकंड वाली कंडीशन में क्या था कि कंपनी 90,000 रुपीज का डिवेंचर इशू कर रही थी, किस पे कर रही थी, एट डिस्काउंट पे, रिडीमेबल किस पे किया था, एट प्रीमियम पे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गया, बैंक ऑन डेट ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने 75,500। फिर नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 85,500, लॉस में 9,000 जितने से एक्स्ट्रा दे रहे, डिस्काउंट में 4,500, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से 90,000 और प्रीमियम कितने का दी हुई है 9,000। ओके, अब इसके बाद और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।